तो जब तब तक पेस्ट नहीं आता जब तक इसको उंगली ऐसे मिक्स नहीं करते। क्या बात, देखो देखो ये व्हाइट वाली जब हमने देखा ना दरिया में गई थी तो चढ़ नहीं पाई क्योंकि इसका जब इसने उसको बैक गिर दिया इसका मुझे लगता है बैक साइड नंबर प्लेट वगैरह सब उड़ गया था। अच्छा? हाँ तो और क्या अच्छी लगी नहीं और इसका टायर भी फट गया। टायर फट गया ना एक, आपको नहीं पता? फिर तो बड़ा मुश्किल है यार। इसकी कंडीशन तो ऐसी जैसे अक्षय कुमार ने और राज देव ने ऐसे वो क्या खाते हैं वो थूका और पान मसाला खा के बोलो जुबान केसरी एकदम लश्कारे मार रही है बड़े भैया की गाड़ी। यो इधर मुड़ के जब ये दोनों साथ आ जाएंगी हाँ। तभी पता चला। नहीं आप तहसीलदार साहब की साइड क्यों दे रहे हो? ये तहसीलदार साहब की वो एक्चुअली ना ये पास है ना हाँ। वो दूर है इसलिए छोटी है। कहाँ मुझे तो अभी भी वो चैट चोरी लग रही है। देखो सर अब फैसला करो, बुलाओ उसको पर अब फैसला होगा। क्या बात है भाई, ये पत्थर निकाल रहे थे गाड़ी में, पत्थर फंसे हैं तो ये टूल है पापजी लेके बड़े भैया लेके आए हैं। भैया उधर नीचे नीचे भैया नीचे, मैं हेल्प करूँ भैया? भैया आराम से, टायर में पंचर ना हो जाए, आराम से भैया टायर में पंचर हो जाएगा। नहीं भाई टायर है कोई वहाँ है, योकोहामा का टायर है भैया, मेरा सस्ता उसमें कर लो। 10 साल की वारंटी है भाई, 10 साल। ये है सर पीर की गली, माशाल्लाह मतलब आने वाली है पीर की गली, अभी आई नहीं है, ये अभी मानसर के मोड़ों में है। पहाड़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। वो पीछे बड़े भैया हैं, बड़े भैया अभी नज़ारा देख रहे हैं। ठीक है अभी वो देखो वो पार से रोड आ रही है, हम वो नीचे से आए हैं बादलों के बीच में से। एक गाड़ी हमारी वो लगी है और अपनी ये है तन्नो। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है इधर का, रास्ता ना भाई सच में बहुत प्यारा है। फाइनली पीर की गली पहुंचने वाले हैं और माशाल्लाह वहाँ भी रुकेंगे थोड़ी देर, माशा मान के निकलते हैं। यह पीर की गली पहुंच चुकी है माशाल्लाह, कितनी हाइट पे 16,000 फीट। बड़े भैया छोटे भैया बोल नहीं रहे, आप बताओ बेसिकली के यहाँ क्यों चाय क्यों पीते हैं यहाँ पे? तो मैं इसको चाय नहीं मानता, शुगर मानता हूं। ओह माशाल्लाह, सबसे बड़ी बात ये है क्यों यहाँ पे, इसलिए बहुत ही गर्म ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे। थोड़ा जोर से बोलो, फिर बोलोगे माइक लेना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं जोर से फिर माइक लेना पड़ेगा। तहसीलदार साहब से कुछ, तहसीलदार साहब है ना वो डिस्ट्रिक्ट हाँ साहब से पूछो। नहीं आप एक काम करें ना, हाँ बोले आप होम मिनिस्टर साहब से पूछिए। नहीं होम मिनिस्टर साहब ज़्यादा कैमरा शाई हैं थोड़े से, आप बोलो। नहीं अभी लुत्फ लेने दो चाय का, मेरे लिए डाली नहीं, मेरे हिस्से की कहाँ रखी है। आपको व्लॉग बनाने के लिए बेटा जाओ कप ले यार, ब्लॉग भी बनाओ कप भी। अगर इसके अबू होते ना नीचे एंट्री नहीं करते यार, मैंने वीआईपी कोटे में आता है, बात करके आओ। बड़े भैया कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका लास्ट टाइम यहाँ पे? जो भी चाय पीते ना, चाय पीते टाइम ना ये मुंह आ रहा है इसका, आ रहा है चाय पीते कैसे आवाज आती है, कैसे इसको अपनी ज़बान में सुड़का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुड़का हाँ। मतलब जिस हिसाब से आप रास्ते में आ रहे हो, आप कश्मीर कितनी देर में पहुंचेंगे? बस आधे घंटे में इंशाल्लाह। तो फिर कहाँ चलना है हमने? हम डल लेक जाएंगे, डल लेक जाएंगे, पैरापीट पे सो जाएंगे। वहाँ पे हमने क्रॉस बोट करके रखी हुई है। अच्छा मेरे ख्याल में जब तब तक टेस्ट नहीं आता जब तक इसको उंगली ऐसे मिक्स नहीं किया। क्या बात, देखो देखो तम यार गाइस, इट्स बड़े भैया मेरे अगेंस्ट हो गए यार। ये आप डीसी साहब की साइड दे रहे हैं, ये गलत बात है। शुक्र गलत बात है, प्रमोशन उसने करनी है लेकिन घर आके मैं ही हूँ। चाय पीनी गाइस, जब भी चाय पीनी उसके बाद अपना कप ज़रूर धोना। तहसीलदार साहब तो चले गए हैं लेकिन ये हमारे चेयरमैन साहब कैसे धोते हैं। ये लो उसका भी धो ये उतर रखो उसके ऊपर पत्थर के ऊपर साइड पर धुले हुए। इसके आगे बस अब प्लेन सड़क है सीधी, खींचने वाली दबाने वाली और व्यू भी अच्छे अच्छे आएंगे। खतरनाक रास्ता पीछे था, आगे का इतना नहीं है, बहुत सुंदर रास्ता आगे। देखो चेक करो गाइस, ये हाई वोल्टेज टावर है, इनके पास जाना नहीं। हम नमाज़ पढ़ने रुके थे, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं उसके लिए रुके थे, तो आप चलेंगे थोड़ी देर आगे। बहुत ही यार इसके आगे तो रास्ता ठीक है, चंदीमढ़ के बाद अच्छा रास्ता है, उससे पहले बहुत ख़राब, उससे पहले 2-3 घंटे लग गए, पर चंदीमढ़ के बाद हम यहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच गए हैं 45 मिनट में। बहुत ख़राब रोड है यार, वहाँ पीछे से जहाँ से हम आए ना, बहुत गंदी रोड की हालत देखो, ये वाइट है, इसमें दूर से पता नहीं चलता है, लेकिन पास से आप हालत चेक करो गाड़ी की क्या है। यहाँ अपनी हालत ख़राब हो जाती है, ये तो फिर गाड़ी है। चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ, देखो हर तरफ से गंदी है, टायर्स की हालत देखो। चलो अब आगे निकलेंगे, पहुंच जाएंगे आधे घंटे में शोपियां और 1-1.5 घंटे में श्रीनगर। आगे का रास्ता एकदम सीधा है, साफ रोड है, ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, रास्ता चले ना। हाँ वो 3.3 लीटर का इंजन है, ये 2.2 लीटर का इंजन है। फॉर्चुनर बाद में आगे हो जाएगी, शुरू में ये नहीं उसको आते, इसको धुलवाना है अब। वो धुल गई हमारी, देखो शाइन मार रही है, और इसको देखो चेक करो, कश्मीर की धूल पूरी इसके ऊपर। और अब इसको चेक करो, चमक गई। अच्छा अब ये रहता है। तो यार शोपियां पहुंच चुके हैं, कश्मीर में एंटर हो चुके हैं, और ये रही अपनी गाड़ी, देखो कितनी गंदी हो रखी है, और ये अपनी काली स्कॉर्पियो, इसको धुलाने का टाइम है। अरे इसको धुला रहे हैं। अच्छा तो भाई ने पाइप लगाई है, वो पता ही था कितनी गंदी हो चुकी थी। और आप देखो, बताओ क्या बोल रहे हो, वाइट गाड़ी और ब्लैक फर्क देख लो, बिल्कुल फर्क। वाइट वाली बहुत बड़ी लग रही है बैक साइड, और ब्लैक का देख लीजिए छोटा लग रहा है। भाईजान वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ब्लैक वाली ज्यादा डिस्टेंस। अभी हम साथ में रख लेंगे, अभी साथ रख लेंगे यार। पाप जी पता ही नहीं है इसको, कुछ समझाओ इसको। लेकिन ये वाइट वाली जब हमने देखा ना, दरिया में गई थी तो चढ़ नहीं पाई, क्योंकि इसका जब इसने उसको बैक गिर दिया, इसका मुझे लगता है बैक साइड नंबर प्लेट वगैरह सब उड़ गया था। अच्छा हाँ तो और क्या अच्छी लगी नहीं, और इसका टायर भी फट गया, टायर फट गया ना एक, आपको नहीं पता। फिर तो बड़ा मुश्किल है यार, फिर इस गाड़ी को आप, इसीलिए अगली बार मैंने कैरेंस लेनी है, कैरेंस ले जानी है। 50% कम पे भी नहीं लेगा, अब ये नहीं लेगा, अब ये फर्स्ट क्राई के, अब ये एक्सीडेंट हो गया ना इसका, अब इसको हमें ब्रिलनो से एक्सचेंज करना पड़ेगा इसका। ब्रिलनो इसके आगे जा यार, ब्रिलनो इसके आगे क्या है यार, ब्रिलनो रॉकेट है यार, रॉकेट सिर्फ छत पे चलता है, वो सिर्फ चलता है 3500 नंबर लगा के। 37-38 को हमने फारग किया, 3500 को फारग, अगला नंबर 3500 का। भैया की गाड़ी धुल चुकी है, और भैया जा रहे हैं गाड़ी। भैया आराम से चलाना, मत जरा सा भी कोई गंदी हो, बिल्कुल प्यार से। क्या शाइन मार रही है गाड़ी अब। चलो जी जाने दो। आहा ये ब्लैक कलर दो के पता चलता है, लगता है ना गैंगस्टर, गैंगस्टर हैगा, गैंगस्टर खुद का है। आप बताओ जी, अब आप स्कॉर्पियो पास आ गई, आप बताओ कौन सी लग रही है। ब्लैक वाली बड़ी लग रही है, इनकी पास है, दूर है इसकी, ये दोगलापन क्या हुआ। नहीं मतलब सच बता, जब ये दोनों साथ आ जाएंगी तभी पता चला। नहीं आप तहसीलदार साहब की साइड क्यों दे रहे हो, तहसीलदार साहब की वो एक्चुअली ना ये पास है ना, वो दूर है इसलिए छोटी है। कहाँ मुझे तो अभी भी वो चैट चोरी लग रही है, देखो नहीं आने तो नीचे, पता नीचे आने में पक्का। क्या सही साफ कर रहे है? नहीं यार ऐसे मान मिट्टी पर मार रहा होगा, अल्लाह इसको मारेगा, स्क्रैच पड़ जाएंगे गाड़ी में। यही कपड़ा ऊपर मारेगा, वही ना यार, वो जो उधर रजौरी में खुला है ना वो अच्छी होता है, लेकिन ये वाइट चलो साफ तो होगी है, चलो कम से कम कर रहे हाल ठीक है, चलो पहले से तो अच्छी है। सर जाऊँ? बिल्कुल चाबी तो चाबी दो। थैंक यू सर। भाई अभी ब्लॉगर बनाई सकती है कैमरा मैन सर, वो सीधा से आपको बोलना गाड़ी चलना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप चलो सर, आप फैसला करो, बुलाओ उसको पर, अब फैसला होगा। क्या बात है भाई, अब बताओ। और वाइट की तो अपनी पर्सनैलिटी है भाई। 12 भाई तहसीलदार साहब 12। ओ हो बताओ सर, अब बोलो ना ना बहुत, अब तो सामने फैसला हो गया कि वाइट कलर बड़ा लगता है रेड कलर के मुकाबले में। रेड कलर के और ब्लैक कलर मुझे पर्सनली ब्लैक पसंद है, ब्लैक मुझे भी पसंद है लेकिन छोटा लगता है गाड़ी। यार संभालने वाले को पता होता है कि ब्लैक संभालना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन व्हाइट की जो अपनी, अब आप बताओ सर गाइस के ये देखो ब्लैक भी आपके सामने और व्हाइट भी। चलो जी मामू आराम से, पानी है